Hi guys, welcome back to my channel. Let's learn with Akanksha. I am Mrs. Akanksha and today I am going to teach you kinds of adjective. Adjectives I have already taught you in the previous video and today I am going to teach you kinds of adjectives. तो चलिए शुरुआत करते हैं एडजेक्टिव को एक बार और रिमाइंड कराने की. एडजेक्टिव की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं फिर से दूंगी ताकि प्रीवियस थोड़ा सा नॉलेज आपको हो जाए. ठीक है, तो देख लेते हैं व्हाट आर एडजेक्टिव्स. व्हाट आर एडजेक्टिव्स, ये देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखना. पहला पॉइंट है एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और क्वालिफाई नाउन्स और प्रोनाउन्स. Fine. Second point is adjective add interest and color to sentences by describing or giving more information. Third one is adjective tell you more about nouns and pronouns and the details help the students to picture what is happening. Fourth one, adjective are used in descriptive writing तो ये है इसके फोर, इसके इन्फॉर्मेशन, फोर टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको दिमाग में रखना है. पहला पॉइंट है यहाँ पे लिखा एडजेक्टिव डिस्क्राइब और क्वालिफाई नाउन्स और प्रोनाउन्स. एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन्स एंड प्रोनाउन्स को. क्वालिफाई का मतलब होता है इसके पहले जो वर्ड आ रहा है नाउन के और प्रोनाउन के जो पहले वर्ड आ रहा है वो बताता है उस नाउन को और प्रोनाउन को, मतलब उसको डिस्क्राइब करता है नाउन को और प्रोनाउन को. तो जो वर्ड यूज़ हो रहा है नाउन और प्रोनाउन के पहले उसे ही कहेंगे हम लोग एडजेक्टिव. द वर्ड विच इज़ यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव. जैसे कि ब्लैक डॉग, ब्लैक हॉर्स, टॉल बॉय, टॉल गर्ल, इस टाइप से. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड पॉइंट है एडजेक्टिव एड इंटरेस्ट एंड कलर टू सेंटेंसेस बाई डिस्क्राइबिंग और गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन. एडजेक्टिव जो है वो क्या करता है, इंटरेस्ट पैदा करता है
और एक रंग ले आता है सेंटेंसेस में, मतलब इंटरेस्ट के साथ साथ एक रंग पैदा कर देता है सेंटेंसेस में बाय डिस्क्राइबिंग और गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन। किसी चीज़ के बारे में और बता रहा है वो ना, डिस्क्राइब और कर रहा है उसको, उस चीज़ को, तो वो एक तरह से उसमें कलर पैदा कर रहा है या उसमें रंग भर रहा है उन सेंटेंसेस में। थर्ड देखते हैं, तीसरा पॉइंट जो है वो है एडजेक्टिव टेल यू मोर अबाउट नाउन्स एंड प्रोनाउन्स। एडजेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन्स के बारे में ज़्यादा बताते हैं एंड द डिटेल्स हेल्प द स्टूडेंट्स टू पिक्चर व्हाट इज हैपनिंग। देखो यहाँ पे नाउन प्रोनाउन के बारे में जितनी भी जानकारियाँ होंगी, इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स पता चलेंगी, वो सेल्फ हेल्प करेंगी स्टूडेंट्स को ताकि वो पिक्चराइजेशन एक बना सकें कि वो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी उनके दिमाग में क्या हो रहा है वहाँ पर। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। अगर एक राइटिंग लिख रहे हो आप, बहुत ही लेंदी सा ऐसे लिख रहे हो या स्टोरी लिख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, तो उसमें एडजेक्टिव्स का मोस्टली यूज़ होता है। ज़्यादातर सेंटेंसेस में एडजेक्टिव का यूज़ होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में जो पहला काइंड ऑफ एडजेक्टिव है वो कौन सा है, वो है यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव। इन सब के बारे में मैंने बताया था पहले ही, 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स मैंने आपको बताए थे, तो इनको आज मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्टली वी विल डिस्क्राइब इट, मतलब कि पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लेट अस सी दैट डेफिनेशन। डेफिनेशन देखते हैं हम लोग इसकी। समटाइम्स आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रही हूँ, जितना ही मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया है वो सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। समटाइम्स प्रॉपर नाउन्स डोंट चेंज इन फॉर्म एट ऑल व्हेन दे बिकम प्रॉपर एडजेक्टिव। सी डेफिनेशन यहाँ पे ये कह रही है कि समटाइम्स प्रॉपर नाउन्स डोंट चेंज इन फॉर्म। प्रॉपर नाउन्स मतलब स्पेशल जिनके नेम होते हैं, ठीक है, जो वो स्पेसिफाई करता है जहाँ पे जो भी वर्ड, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। स्पेशल नेम्स गिवन टू दैट नाउन्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन। दे दैट चेंज दैट डोंट चेंज, वो चेंज नहीं होते हैं इन फॉर्म, अपने फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं। व्हेन दे बिकम प्रॉपर एडजेक्टिव, जब भी वो प्रॉपर एडजेक्टिव बनेंगे वो प्रॉपर नाउन ही रहेंगे, मतलब चेंज नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे कैसे वो चेंज नहीं होते हैं। सो लेट अस सी दैट, लाइक पंजाबी फोल्क डांस, जापानीज गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पे पंजाबी और जापानीज ये दोनों क्या हैं, पंजाबी इज़ अ प्रॉपर नाउन एंड जापानीज इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। ये स्पेशल नेम दिया गया है, स्पेसिफिक नाम दिया गया है इन दोनों को, तो ये चेंज नहीं होगा और यहाँ पे ये एक तरह से प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोल्क डांस को वह स्पेसिफाई कर रहा है। कहाँ का फोल्क डांस, पंजाब का फोल्क डांस। पंजाब का फोल्क डांस जो होता है उसे कहते हैं पंजाबी डांस,
और यहाँ पे गुड्स जो हैं वो कहाँ के हैं, जापानीज गुड्स हैं, कहाँ के हैं, जापान के गुड्स हैं, जापानीज गुड्स, जापानीज की स्पेलिंग है जे ए पी ए एन ई एस ई, ओके, जापानीज गुड्स, अंडरस्टैंडिंग और नॉट। तो इसका सेकेंड देखते हैं हम लोग काइंड, इसका दूसरा काइंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है इसका दूसरा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है या इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इट डिस्क्राइब द काइंड क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। सी एडजेक्टिव क्वालिटी यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है काइंड, ठीक है, काइंड क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक किसकी, पर्सन की, एनिमल की, प्लेस की और थिंग की, किसी भी एनिमल की, किसी भी प्लेस की, कोई भी चीज़ है उसकी कोई भी क्वालिटी को या उसकी काइंड को या कैरेक्टर को जो भी एक्सप्लेन करता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है, बहुत ही कॉमन है, जैसे कि अ टॉल मैन, ठीक है, अ ब्लैक क्रो, ये दो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताए हैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दोनों ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और उसके पहले जो मैंने बताया आपको प्रॉपर एडजेक्टिव, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब हम लोग तीसरा इसका एडजेक्टिव देखते हैं, थर्ड एडजेक्टिव इज, थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम लोग देखते हैं। डेफिनेशन इट इंडिकेट्स हाउ मच of a thing, how much of a thing is meant, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, इट इंडिकेट्स हाउ मच, हाउ मच का मतलब होता है कितना, हाउ मच मतलब होता है कितना, तो कितना वो चीज़ है, कितना मतलब थोड़ा है, फ्यू है, सम है, मच है, मैनी है, हाउ मच है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पता करेंगे क्वांटिटी को, ठीक है, कि ये इंडिकेट करता है हाउ मच, कितना है वो चीज़, हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट। तो इसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही इजी एग्जांपल है, गिव मी some water, give me some water, यहाँ पे सम क्या है, सम यहाँ पे क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक है। much cement is needed in building
a house. मच सीमेंट इज़ नीडेड टू बिल्डिंग अ हाउस, मतलब कि बहुत सीमेंट लगेगा एक घर बनाने में. तो यहाँ पे मच क्या है, क्वांटिटी को बता रहा है. तो मच भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, ये तीनों एडजेक्टिव समझ में आ गए होंगे आप लोगों को. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एडजेक्टिव. फोर्थ वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की डेफिनेशन देखते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होगी. ये इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग आर मेंट और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स. ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है उसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है. यहाँ पे लिखा हुआ है इट इंडिकेट्स हाउ मैनी पर्सन्स, ये इंडिकेट करता है कितने इंसान, हाउ मैनी पर्सन्स, या फिर कितनी चीज़ें आर मेंट. ठीक है, कितनी चीज़ें यहाँ पे बात कर रहे हैं उसको इंडिकेट करता है, या फिर और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स, या फिर किस पोजीशन पे कौन सा आदमी खड़ा है. किस पोजीशन का मतलब है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन. ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी सब आएगा एडजेक्टिव नंबर के अंदर. आया समझ में आप लोगों को. तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. लेट अस सी द एग्जांपल हियर. टू बर्ड्स आर sitting there. He is a second man in commando. See, यहाँ पे two birds, birds के आगे क्या लिखा है, two. ठीक है, दो birds बैठी हुई हैं. तो दो क्या है, टू क्या है, नंबर है. ठीक है, पहला एग्जांपल समझ में आ गया होगा. दूसरा है ही इज़ अ सेकेंड मैन. यहाँ पे सेकेंड क्या है, सेकेंड इज़ अ पोजीशन. तो सेकेंड पोजीशन है यहाँ पे, मैंने बताया था पोजीशन भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही कहलाती है. तो ही इज़ अ सेकेंड मैन इन कमांडो, कमांडो में वो सेकेंड मैन है. आया समझ में आप लोगों को. तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को. ठीक है, नाउ लेट अस सी एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब कि डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग पहले. It indicates which person or thing is meant. ये indicate करता है which person, कौन सा person, कौन सा इंसान या thing किसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, ये इंडिकेट करता है किस इंसान और किस चीज़ के बारे में बात हो रही है,
that is called demonstrative adjective. Understood? इसका example देख लेते हैं हम लोग. Bring that chair. Those mountains are far away. That and those. So that and those both are what? Demonstrative adjective word. Bring that chair. वो chair ला कर के दो. Bring that chair. That यहाँ पे क्या है? Demonstrate कर रहा है, indicate कर रहा है किसी चीज़ को. Those mountains. वो mountains. Those क्या है यहाँ पे? Demonstrative या indicate कर रहा है यहाँ पे. वो mountains बहुत दूर हैं. Those mountains are far away. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम लोग बात करते हैं सिक्स एडजेक्टिव की, दैट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखते हैं हम लोग अब. डेफिनेशन ऑफ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. इट इज यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्या क्वेश्चंस. ये यूज होता है नाउन्स के साथ क्या करने के लिए? क्वेश्चंस को पूछने के लिए. ठीक है, क्वेश्चंस को पूछने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. अंडरस्टूड? अब हम लोग उसका एग्जांपल देख लेते हैं. लेट अस सी द एग्जांपल फर्स्ट. व्हिच बुक शैल यू ब्रिंग. Which book shall you bring? तुम कौन सी बुक लाओगी? Which book shall you bring? तुम कौन सी बुक लाओगी? तो यहाँ पे which क्या है? WH वाले words क्या होते हैं? Interrogative. So here this is interrogative adjective. Now second is what poem do you like best? Which poem? कौन सी poem? Sorry, what poem do you like best? कौन सी poem तुम्हें सबसे अच्छी लगी? तो यहाँ पे WH वाला word what क्या है? Interrogative adjective. Understood? What poem? So poem and book both are what? Noun. यहाँ पे poem and book दोनों क्या है? Noun है. दोनों क्या है यहाँ पे? Noun and noun. संज्ञा है. संज्ञा के पहले WH वाले वर्ड आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज सेवेंथ वन, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखते हैं या उसको समझाने का तरीका देखते हैं हम लोग पहले. ठीक है, डेफिनेशन डेफिनेशन इज द वर्ड व्हाट इज यूज्ड एज एन exclamatory adjective. ठीक है, the word what, यहाँ पे जो word what है वो use होता है हमेशा exclamatory adjective में. ठीक है, अगर हमें पता करना है
कि कैसे पता करें एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है ये, तो उसमें अगर व्हाट आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, तो दिस शोज दैट दैट इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. सो लेट अस सी द एग्जांपल हियर. एक्सक्लेमेटरी का व्हाट अ स्टोरी, व्हाट मैनर्स, ठीक है. तो यहाँ पे दोनों क्या है, व्हाट व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, क्या स्टोरी है, व्हाट अ स्टोरी, व्हाट मैनर्स, क्या मैनर्स हैं, व्हाट मैनर्स. आए समझ में आप लोगों को, ठीक है. नाउ द लास्ट वन इज 8th, और ये है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है. पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो किसी भी अधिकार को जताता है, ठीक है, कि मेरा है ये, मेरा अधिकार है, ठीक है. मतलब स्वयं का है वो चीज़ या किसी का अधिकार होता है, जैसे माय, आर, हिज, देयर, तो ये सब पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग. It indicates position, ठीक है. ये position को indicate करता है यहाँ पे, ठीक. इसके example देखते हैं, मतलब अधिकार, स्वयं का अधिकार होना, that is called position. So let us see the example here. Example is they are friends, वे हमारे friends हैं. They are our friends. आर यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है. नेक्स्ट, प्लीज गिव मी माई बुक, प्लीज मुझे मेरी बुक दो, मेरी किताब मुझे वापस करो या दो, ठीक है. तो माय यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है. है समझ में आप लोगों को. तो ये थे 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स जो मैंने आज आप लोगों को समझाए हैं, 8 टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स. इसके आगे वाली वीडियो में मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगी एडजेक्टिव्स एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसके रूल्स बताऊँगी, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स भी बताऊँगी. Yes, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and please don't forget to press the bell icon also, because if you will not press the bell icon, you will not get the notifications. So bell press karna bilkul bhi na bhulein. Up till then, bye bye and take care. Bye.